महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून का रूप इस बिल ने ले लिया है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि हमारी सरकार ने महिला आरक्षण को कानून का रूप दिया है। विपक्ष ने केवल दिखावा किया है, बहुमत में होने के बावजूद भी उसे दोनों ही सदनों से पास नहीं करवाया। महिलाओं को टिकट देने के मुद्दे पर भी केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि हमारी सरकार पहले से ही महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। पार्टी हर चुनाव में महिलाओं को टिकट देती है और इस बार लोकसभा के चुनाव में भी महिलाओं को हम टिकट देंगे। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आरक्षण देने का काम करती आ रही है और लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलेगा, जिसकी वजह से महिलाओं का सशक्तिकरण भी बढ़ेगा और आत्मबल और विश्वास बढ़ेगा पूरी तरीके से। विपक्ष खुद कई बार लेकर के आया था, फिर वो पास क्यों नहीं कराया? आज NDA और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को लेकर के आए, वो पास हुआ। अब उनको इसमें परेशानी हो रही है। अभी 2024 के चुनाव के बाद जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बैठेगा जो परिसीमन करेगा सीटों का, और जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है, कमेटी बनकर के उन सीटों का रिजर्वेशन करने का कार्य है।